गाइस वेलकम बैक माय चैनल। आज हमारा स्टडी टॉपिक होगा एंग्लो सेक्सन का रिमेनिंग पोर्शन। ओके, एंग्लो सेक्सन का जो मैंने आपको कल बताया था उसके आगे जो मतलब रिमेनिंग पोर्शन रहा था आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे चैनल से वो लोग जुड़े जो नेट को क्लियर करने के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं। मेरे को वो लोग चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे इतना एक्साइट करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊंगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी। लेकिन वो लोग अगर एडिट नहीं होंगे तो मैं अपना अच्छा व्यू नहीं दे पाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं कि बियोवुल्फ के अलावा जो और एंग्लो सेक्सन के टाइम पे जो पोइम्स लिखी गई थी वो थी विडसिथ। विडसिथ बियोवुल्फ से पहले की पोइम थी, लेकिन उसका कोई पोर्शन मिला नहीं था और लिखावट उसकी अच्छे से मिली नहीं थी, इसलिए बियोवुल्फ ही उस टाइम की लॉन्गेस्ट एंड फेमस पोइम मानी गई थी। और उसके बाद में जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, इक्सोडस एंड द वंडरर, द सी फायरर, वाइफ्स लेमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, क्राइस्ट एंड सेट, एंड डैनियल एंड्रियास एंड गुथाल, ये पोइम्स लिखी गई। उसके अलावा सबसे जो मेन पोइम थी बियोवुल्फ के बाद में वो थी सिनेवुल्फ एंड द कैडमैन। ये रिलीजियस पोइम थी। इसके अलावा भी कई वर्क्स लिखे गए जैसे जूलियाना, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, क्राइस्ट एंड इलेन। ये जो कई वर्क्स थे जो एंग्लो सेक्सन के पीरियड के टाइम पे फेमस हुए, इसमें जो मतलब अभी आज मैं बताऊंगी इनमें सबसे जो फेमस पर वर्क है बियोवुल्फ के बाद में वो है ड्रीम ऑफ द रूड। तो मैं ड्रीम ऑफ द रूड आज आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ में। ये एक क्रिश्चियन पोएम थी, ड्रीम ऑफ द रूड कौन सी पोएम थी, क्रिश्चियन पोएम थी। और इसके अंदर जो मतलब दो स्पीकर रहते हैं, फर्स्ट स्पीकर तो अननोन रहता है एंड सेकंड स्पीकर रहता है जो अपनी दशा बताता है और वो अपनी फीलिंग्स को बताता है कि उसने क्या फील किया रूड को देख के, जीसस के बॉडी को देख के, बॉडी को देख के वो क्या फील करता है वो सब बताता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिश्चियन पोइम ड्रीम ऑफ द रूड इज द क्रिश्चियन पोइम इन द कॉर्प्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंड एन एग्जांपल ऑफ द जनरे ऑफ ड्रीम पोइम। कौन सी पोइम? ड्रीम पोइम। इट इज रिटन इन अलिटरेटिव वर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस पोइम्स आर पेगनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? पेगेनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोइम देयर आर मेनी क्रिश्चियन एंड प्री क्रिश्चियन इमेजेस। इस पोइम के थ्रू क्रिश्चियन और प्री क्रिश्चियन इमेजेस को शो किया गया है। व्हाइल इन द एंड द पोइम एग्जिबिट्स द क्रिश्चियन बिलीफ्स ऑफ सेल्वेशन एंड द आफ्टर लाइफ। एक तो सेल्वेशन को गुलामी, सेल्वेशन गुलामी, और आफ्टर लाइफ, लाइफ के बाद के जो दो पिक्चर है वो शो की गई है। इन द ड्रीम द अननोन पोइट बिहोल्ड्स ए ब्यूटीफुल ट्री। इन द ड्रीम ऑफ द रूड पोइम के बारे में बात कर रहे हैं। इन ए ड्रीम द अननोन पोइट बिहोल्ड्स ए ब्यूटीफुल ट्री, द रूड और क्रॉस ऑन विच क्राइस्ट डाइड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? In a dream, the unknown poet beholds a beautiful, beautiful tree, the rood or cross on which Christ died. The rood tell him its own story. The rood tell him in our own story, forced to be the instrument of the Savior's death. It describes how it suffered the nail wounds, spear shafts and the insults along with Christ to fulfill God's will. Okay, to fulfill God's will. अब इसमें इस पोएम के अंदर ये जो बता दिया गया है कि जो रूड है वो अपनी खुद की ओन स्टोरी बता रहा है और वो फील कर रहा है कि उस टाइम क्या हुआ होगा जब क्राइस्ट को मार दिया गया था कीले ठोक के, तो वो अपनी दशा सेम उसकी तरह बता रहा है। और इसमें दो स्पीकर है, फर्स्ट स्पीकर पर्सन हु डिस्क्राइब्स द विजन दैट ही हैज एंड हिज रीजन
टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज विजन। वो क्यों डिस्क्राइब कर रहा है? क्योंकि वो विजन रखता है, और विजन रखने का कारण क्या है, और उसका विजन को डिस्क्राइब करने का कारण क्या है कि वो विजन रखता है, इम्पोर्टेंस ऑफ हिज विजन, उसके जो विजन का जो इम्पोर्टेंस है उसके कारण ही वो अपने विजन को डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड स्पीकर द फिजिकल क्रॉस इटसेल्फ। सेकंड स्पीकर कौन है? फिजिकल क्रॉस ऑफ इटसेल्फ हु डिस्क्राइब्स द क्रूसिफिक्शन विविडली बिलीव वाज दैट क्राइस्ट्स बॉडी इज इनसेपरेबली यूनाइटेड विद लोगोस ऑफ क्राइस्ट। समझ में आया कि सेकंड जो स्पीकर है वो कौन है? फिजिकली खुद क्रॉस है, और वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट को जो दशा थी, जो उसकी मूरत थी, उसके बारे में डिसाइड कर रहा है। और इसमें मतलब एक पेड़ को और एक क्रिश्चियन वो क्राइस्ट की इमेज को, दोनों को मिला के वो पेड़ अपनी दशा को बता रहा है। उसमें दो स्पीकर हो गए, जो एक अपना विजन रखता है और अपने विजन का इम्पोर्टेंस रखने के कारण वो ये सब बोलता है, एंड सेकंड इज फिजिकली खुद क्रॉस। ओके, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हैं कि इसमें क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि इसके जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ये कौन सी पोइम है, तो ये है क्रिश्चियन पोइम, एंड सेकंड है कि इसके ये कौन से वर्ड्स में लिखी गई है, ये लिखी गई है अलिटरेटिव वर्ड्स में, एंड थर्ड है कि इसमें स्पीकर कौन कौन है। एक तो पर्सन है जो खुद अपना विजन रख के बोलता है, पर्सन जो खुद मतलब रूड अपने आप में बोलता है, एंड सेकेंड इज क्राइस्ट का जो क्रॉस होता है वो बोलता है। और उसमें स्टोरी बताई गई एक बड़े से पेड़ के बारे में, उसकी अपने वो अपनी दशा को बताता है, वो अपनी व्यथा को बताता है, अपनी स्थिति को बताता है, और स्थिति को बताते बताते वो उस क्रॉस के बारे में, उस दशा के बारे में भी याद करता है जब क्राइस्ट को क्रूसीफाइड कर दिया गया था। ओके, अभी मैं आज के लिए आपको इतना ही बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत बता दिया है। अगर आप लिखना चाहो तो मैं आपको PDF शेयर कर सकती हूँ, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वो लोग जुड़िए जो मुझे क्वेश्चन पुट अप कर सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे साथ वो लोग जुड़े जो मुझे और अच्छा वीडियो अपलोड करने में हेल्प कर सके। प्लीज मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं उन लोगों से जुड़ सकूं जो मेरे फील्ड के हैं, जो मेरे सेक्टर के हैं, और जो नेट के लिए ट्राई कर रहे हैं। नेट 2022 हम मिलकर पास करेंगे, ये मेरा वादा है। ओके, थैंक यू।